एक और पिक्चर देखी थी, हसीन दिलरुबा। बहुत टाइम बाद देखी थी पिक्चर, मतलब बहुत पुरानी पिक्चर देखी, मेरे से महीने से ज़्यादा हो गया, मगर इसका रिव्यू नहीं बनाया था। इसके अंदर क्या है कि एक लड़की है जिसको, जो दिल्ली की लड़की है, उसकी शादी हो गई है शहर में, एक छोटे गांव में किसी लड़के के साथ, और इसी के ऊपर है पिक्चर। और कैसे जो लड़की है वो अपने उस लड़के के बारे में कुछ कुछ, क्योंकि लड़का बहुत नाइव है, तो उसके बारे में कुछ कुछ बता रही होती है अपनी फैमिली में शादी के बाद, जैसे वेडिंग नाइट के बाद, तो वो बुरा मान जाता है कि वो इतनी पर्सनल डिटेल्स क्यों शेयर कर रही है, तो नाराज़ होकर रहने शुरू हो जाता है उसके साथ। और उसके बाद उसका लड़के का कज़न आ जाता है, हर्षवर्धन राणे, विक्रांत वैसी जो है वो हस्बैंड है तापसी पन्नू का, तो हर्षवर्धन राणे रहने आ जाता है वहाँ पर उनके घर में, तो वो जो है उसका अफेयर शुरू हो जाता है तापसी पन्नू के साथ जो कि वाइफ है। और जो अफेयर के बारे में विक्रांत मैसी को भी खुद ही बता देती है, सब पता लग जाता है उसको, और हर्षवर्धन राणे भाग जाता है कि मेरे को नहीं शादी करनी है, मेरे को कुछ परस्यू नहीं करना, ये बेबी का यूनिकॉर्न देख लो। तो उसके बाद हर्षवर्धन राणे जो है वो भी क्योंकि मना कर देता है, तो फिर तापसी पन्नू जो है वो अपने पति से सब बता देती है विक्रांत मैसी से। विक्रांत मैसी फिर उसको बहुत टॉक्सिक होके, बहुत जैसे सीढ़ियों पे साबुन रख दिया कि वो गिर जाए, और वैसे सब करके प्रताड़ित कर रहा होता है कि छोड़ के चली जाएगी, मुझे वो भी कहती है कि नहीं छोड़ के नहीं जाऊँगी। एंड में बस ये बता देते हैं कि शुरू में उन्होंने बताया कि मर्डर हुआ है, किसका, कैसे, क्या हुआ है, कैसी बातें बनी है, वैसा कुछ बताया नहीं है। बहुत बचकाना है, जो कनिका ढिल्लो ने लिखी है, बहुत बचकाना है एंड है इसका। इन्होंने फिल्म ही बना दिया है इसको, इन्होंने बता दिया कि एक एक्सीडेंट हुआ था, ब्लास्ट हो गया, फिर उन्होंने उसके बाद घर के अंदर ब्लास्ट कर दिया, ये सब कर दिया, हर्षवर्धन राणे को मार दिया, उसके कपड़े पहना दिए, क्या नाम है इसका, विक्रांत मैसी के, कि विक्रांत मैसी वहीं था, और मतलब हर्षवर्धन राणे ने विक्रांत मैसी को मार दिया, और हर्षवर्धन राणे जो है वो भाग गया, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे हुआ था कि विक्रांत मैसी ने मारा था हर्षवर्धन राणे को, और वो अपनी लाइफ उसने पूरी की पूरी छोड़ दी थी। बड़ा बचकाना एंड लगा मुझे वो, बस इजीली ये भी कह सकते थे कि सेल्फ डिफेंस में जो है वो, जो कि हुआ भी था सेल्फ डिफेंस में, तब तापसी पन्नू से हर्षवर्धन राणे मारा गया था, बस ये ना बता करके उन्होंने बस कुछ बेवकूफाना सा एंड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमर प्रेम टाइप वैसी वाली बीसी काटी है, मगर कुछ खास वो वाला इम्पैक्ट आया नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट।